शनिवार को फरियादी शाकिर ने थाना चिमनगंज मंडी पुलिस को सूचना दी कि आगर रोड पर आकाश पेट्रोल पंप के सामने उसका ट्रक रात को गायब हो गया। मामले में पुलिस ने तत्काल प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने ट्रक चोरी की वारदात के खुलासे के लिए सिटी एडिशनल SP रुपेश द्विवेदी व CSP पल्लवी शुक्ला के नेतृत्व में टीम बनाकर तत्काल खोज शुरू की। मामले में पुलिस ने सबसे पहले संदेह के आधार पर फिरोज खान व समीर से पूछताछ की तो उन्होंने कबूला कि ट्रक उन्होंने ही चुराया है, जिसमें उनका एक साथी शाहिद खान भी शामिल है। पुलिस ने फिरोज व समीर के पास से ट्रक जब्त कर लिया है, वहीं शाहिद अभी फरार है। 12 घंटे के भीतर चोरी की इस वारदात का खुलासा करने पर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने पुलिस टीम को 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। चोरी की वारदात के खुलासे में थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर, उप निरीक्षक रमेश चंद्र सोलंकी, आरक्षक राजपाल शैलेश योगी, अनिल सिसोदिया, दिनेश सिंह, आशुतोष नागर व सरदार शामिल थे। चोरी गए ट्रक का खुलासा करने में कामयाबी हासिल करी है, इसमें और क्या कुछ खास जानकारी? 19 तारीख की रात को एक 12 चक्का ट्रक चोरी गया था, जिसकी रिपोर्ट नेक्स्ट डे हुई थी, कल 20 तारीख को। नॉर्मली इस तरह के बड़े वाहन चोरी नहीं होते हैं, ये थोड़ी घटना अजीब थी, इसलिए गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सर के निर्देशन में एक टीम बनाई गई और उसमें CI चिमनगंज और CSP कोतवाली के नेतृत्व में एक काम कराया गया। उनकी टीम के द्वारा एक बहुत अच्छा काम किया गया, जिसमें कि जो ट्रक चोरी करने वाले लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया गया और ट्रक को भी जब्त किया गया। चिमनगंज पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ संदिग्ध लोग हैं जो इस प्रकार की घटना कारित कर सकते हैं, तो उन लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ में कुछ और भी तथ्यों का खुलासा हुआ, उसके बाद उन आरोपियों के माध्यम से ट्रक भी जब्त हुआ, जो कि यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर खाली खदानों में, चंद्रवतीगंज के पास की जो खाली खदान है वहाँ पर छुपा दिया गया था। और रात को ये घर आकर आरोपी स्वयं अपने घरों में उपस्थित थे, जिससे कि किसी को शक ना हो कि आरोपियों के द्वारा ये घटना की गई और ये लोग यहाँ से गायब हैं। क्या लगता है और कोई खुलासा होने की संभावना है? इसमें एक आरोपी अभी शेष है, 3 आरोपियों ने घटना कारित की है, 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 आरोपी शेष है और जो शेष आरोपी है उसके ऊपर भी 2,000 के इनाम की घोषणा की गई है और जो बाकी पूरी टीम है चिमनगंज की उसको 5,000 रुपये के इनाम से पुरस्कृत भी किया गया है। उज्जैन से संवाददाता राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।